हेलो हेलो हेलो। हाँ मोहनलाल जी। हाँ जी मोहनलाल जी नमस्कार, मैं संपत सारस्वत बात कर रहा हूँ। हाँ सर जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर जी, दया दृष्टि आप लोगों की। नहीं नहीं दया दृष्टि वाली कोई बात नहीं है, मैंने आपका एक व्हाट्सएप में कोई चैट पढ़ा, अच्छा इसके लिए मैंने फोन किया। उसमें आप हाँ, बोलो साहब। कुछ मंदिरों का जिक्र कर रहे हैं, मंदिरों के दान धर्म को लेकर, फिर कह रहे हैं कि SC ST और OBC मूल निवासियों ने चंदा नहीं दिया, तो देखो इनकी ये हालत हो गई वगैरह वगैरह। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा बीच में बोलना चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा। अच्छा जी, मेरे पास से मतलब ये क्या है, ग्रुप में आई थी कोई XYZ है कोई ग्रुप में, मैंने मतलब ना तो मेरे को लिखा हुआ है ना कोई मेरे अखबार हाथ में, मैं नहीं अखबार वाली बात, अखबार की बात ही नहीं है। अखबार वाले ने जो छापा है उसने कहीं मूल निवासी जिक्र ही नहीं किया, इसलिए उसकी तो कोई बात ही नहीं। जो ऊपर लिखा हुआ है ना सर जी, वो मेरा भी लिखा हुआ है। नहीं तो ये कौन फैला रहा है? अगर इस तरह की कोई बात फैला रहा है, आप मुझे नंबर दीजिए उसका। सर मेरे ग्रुप में आया हुआ है, मैं दूसरे पर्सनल ग्रुप में आया हुआ था, तो गलती और बताऊं, मेरा ऐसा कोई सिस्टम नहीं है ना कोई, मैं मतलब इतना कोई मैं इतना गवार नहीं हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं आपको मैं एक बात आपको समझाऊं मोहनलाल जी, मैंने फोन किया है आपको रात्रि के समय। हाँ, हाँ, मैंने कुछ समझाने के लिए फोन किया है कि ये जो मूल निवासी शब्द है इसका मतलब आपको पता है? आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा इतनी गलती होगा, मेरे ग्रुप में आया था और मैं सेंड कर दिया, मेरी इतनी गलती है सर। नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो आपने स्वीकार कर ली गलती, उस बात को हम अब जिक्र नहीं करेंगे। मैं आपसे खाली एक एक डिस्कस कर रहा हूँ, दो भाई आपस में चर्चा कर रहे हैं कि मूल निवासी का मतलब पता है हमें? आप क्या जानते हैं मूल निवासी मतलब क्या, फिर मैं बताता हूँ। हम दोनों एक दो भाइयों की तरह हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि कल कोई आपसे मिले, परसों कोई आपसे मिले, तो आप उसको आप समझा सको कि भाई ये शब्द के पीछे आप क्यों किसी में जहर उगलने का कार्य कर रहे हो, क्यों वैमनस्यता फैलाने का प्रयास कर रहे हो। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप मूल निवासी मतलब आप कितना जानते हैं, मूल निवासी का मतलब क्या? सही है, मानता हूँ मैं इस बात को भाई। आपकी आप क्या जानते हैं मूल निवासी शब्द के बारे में? अगर आप कुछ नहीं जानते तो मैं बताता हूँ फिर। हाँ बोलो सर। देखो मैं बता देता हूँ, सबसे पहले इस सनातन धर्म के अंदर हम हिंदू हैं, ठीक है। ये जो मूल निवासी जो शब्द है ना, ये हमारी ही समाज में से हमारे ही कुछ दोगले हरामखोर नमक हराम नेता टाइप के जो लोग हैं, झोला छाप, उन लोगों द्वारा ये शब्द निकाला गया है। और ये शब्द निकाल के वो अपने आप में ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई हम इस देश के ओरिजिनल निवासी हैं। मूल निवासी का मतलब हो गया हम इसके ओरिजिनल निवासी हैं, ठीक है। अब इसमें ओरिजिनल और डुप्लीकेट वाली बात कहाँ से आती है? आप एक बात बताइए कि एक माँ के दो बेटे पैदा हुए, ठीक है, और उन दो बेटों में से अगर कल को कोई अधिकार जमाए कि मैं इस घर का मूल मालिक हूँ, तो वो कैसे हो सकता है? मतलब दोनों ही हो गए ना। तो पहली बात, अगर मूल निवासी शब्द आया तो मूल निवासी शब्द SC ST OBC ब्राह्मण बनिया राजपूत ये सभी के लिए आएगा, एक ही, ठीक है। अब उसमें से आप SC ST और OBC को अगर मूल निवासी कह के और ब्राह्मण बनिया या राजपूत या अन्य तमाम कौम को किनारे करने का प्रयास करते हैं, तो ये सारे लोग देशद्रोही हैं, ठीक है। ये जो हाँ ये हिंदुत्व को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज की डेट में मैं आपको बताऊं भंवर सिंह जी कि आज स्थिति ये है कि ये जो लोग हैं इस तरह के, किस तरह के, मैं आपको बताऊं, चंद्रशेखर रावण, वामन मेशराम, जिग्नेश मेवाणी, शैला रसीद, प्रशांत कनौजिया, हंसराज मीणा, कुणाल कामरा, मतलब ये जो मैं नाम बता रहा हूँ ना, ये सुबह उठते हैं ना तब इनको ये बिके हुए लोग हैं, ठीक है। सुबह जब उठते हैं तब इनको पता रहता है कि शाम तक हमें इतना जहर घोलेंगे तो हमें इतनी मजदूरी मिलने वाली है। किन से? और ईस्टर्न जो देश है, पूर्वोत्तर के जो देश है, उन देशों से इस देश के अंदर हिंदुत्व को तोड़ने के लिए ये आपको एक मेहनताना मिलता है, वेतन मिलता है। अगर वेतन नहीं मिलता तो ये धर्म को तोड़ने की बात नहीं करते, ठीक है। मुझे एक बात बताइए कि मंदिर हमारे हैं या मंदिर उसके हैं, या ये उसका नहीं है ये इसका नहीं है, ये जिक्र आया कहाँ से? जब भगवान श्री राम
सबरी से बेर खा सकते हैं, निषाद जो निषाद अभी आपने रामायण देखी होगी, निषाद को अपने दरबार में बिठा सकते हैं, अपने बराबर जब उनको ऋषि मुनि उनके बराबर भगवान श्री राम के बराबर बिठा सकते हैं राम का दोस्त होने के नाते। तो ये हजारों साल पहले की कथाओं में जब कोई भेदभाव नहीं है, तो आज की डेट में ऐसा भेदभाव खड़ा करके धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, पंथ के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, रंग के नाम पर देश को तोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, इनको केवल हमें पहचानने की जरूरत है और मौका मिले तो दो दो जूत मारने की जरूरत है। ये जो मैंने पांच चार नाम लिए ना, इनका मुंह काला करके गधे पे बिठा के गांव गांव में घुमाने की जरूरत है। भंवरलाल जी, सही है सर, सही है। आप जो भी व्यवसाय करते होंगे, जो भी काम धंधा करते होंगे, या मैं मेरा जो भी काम करता हूँ, मैंने सुबह से लेकर शाम तक किसी भी एक्टिविटी में आज तक किसी को जाति नहीं पूछी। चाय पिलाने वाले को मैंने बोला भाई चाय दे दे, समोसे वाले को मैंने बोला समोसा दे दे, पानी पूरी खानी है तो पानी पूरी खा ली। जाति धर्म की जो जहर घोलने का काम करे, ये जो पांच सात कुत्ते हैं ना जिनका नाम लिया है मैंने, ये लोग जिन लोगों ने आपके और हमारे बीच में हिंदुत्व को तोड़ने का प्रयास किया, तोड़ने का प्रयास किया सर। हमें ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है। कोई व्यक्ति देखो, जय भीम करने से कोई हिंदुत्व नहीं टूटने वाला है और ना ही जय श्री राम कहने से हिंदुत्व टूटने वाला है। आप सर जी, मेरा जो मतलब है फेसबुक आईडी है समारोह, कम से कम मेरे फ्रेंड है 47-48, ठीक है? अच्छा, उसमें आप मेरी पोस्ट देखो, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह, मैं एक छोटा सा दुकानदार हूँ सर जी, आपसे क्षमा चाहूंगा, मैं इतना कोई बड़ा सांची जाता है, छोटी जाति से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, अब आपने मुझे कहा है तब मैं एक आपको बात बताता हूँ। आप सांची समाज से है ना? हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है मोहनलाल जी। आपने सार्थक बोला, आपने तो कहता हूँ ब्राह्मणों से मेरा बहुत बड़ा लगाव है। नहीं, मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ। आप मेरा जो घर है ना सर जी, छोटी सी कुटिया है, ब्राह्मणों के बीच में घर है मेरा, और आप किसी को पहुँच लेना, और ब्राह्मणों से ज्यादा मेरा प्यार प्रेम है, इतना किसी का। मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। आज मेरा सामना अगर किसी सांसी भाई से हुआ है ना, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ भंवरलाल जी, कि जैसे मैं सारस्वत ब्राह्मण हूँ, ठीक है, आप मुझे कभी भी किसी भी दिन आपके घर में अच्छा उत्सव हो, या आपको इच्छा हो जाए कि मुझे ब्राह्मण किसी व्यक्ति को या मेरे दोस्त को, संपत को मुझे खाना खिलाना है, आप मुझे बुलाइएगा, मैं कभी नहीं सोचूंगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि मेघवाल समुदाय के लोग क्या सांसी के घर से खाना खाते हैं भंवरलाल जी? नहीं सर, नहीं खाते हैं ना। तो सबसे बड़ा जातिवाद कौन करता है? मेघवाल। तो फिर एससी अगर सांसी के घर खाना नहीं खाता है, तो जातिवाद तो वो लोग कर रहे हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे आप कल बुला लीजिए, मैं कल आ जाऊंगा खाना खाने के लिए। बहुत बहुत बड़ी बात है सर, ठीक है। तो फिर हम जातिवाद कैसे करने? अरे, इंसान की जाति जो है वो उसका आचरण तय करती है। मैं अगर ब्राह्मण होकर दारू पीता हूँ, मांस पतीरा खाता हूँ, तो मैं ब्राह्मण हूँ ही नहीं। सही है सर, ठीक है। और अगर मुसलमान के घर में कोई व्यक्ति पैदा हो जाता है और अगर उसके आचरण ब्राह्मण के जैसे हैं, तो वो ब्राह्मण है। अभी आपने सुना होगा कि इरफान खान की मृत्यु हुई, खत्म हो गया, इरफान खान को कैंसर थी, उसकी मृत्यु हो गई। इरफान खान का एक स्टेटमेंट था जिसमें उसके पिता कहते थे कि एक गलती से मुसलमान के घर एक ब्राह्मण पैदा हो गया। सही है, क्योंकि ये नॉनवेज नहीं खाता, ये कुछ भी ऐसे काम नहीं करता था जो मुसलमान समुदाय में जाति और पंथ और धर्म से जोड़कर वो लोग काम करते थे। तो इसका ये इससे बड़ा एग्जांपल कुछ नहीं हो सकता कि माननीय मंत्री जी अर्जुन राम मेघवाल जी को अगर आप न्योता दोगे तो आपके घर खाना खाने नहीं आएंगे, वो नहीं खाएंगे, इतनी अछूत करते हैं। तो असली जातिवाद जो है वो एससी समुदाय के लोग, एसटी समुदाय के लोग आपके साथ करते हैं। ब्राह्मण को कोई आपत्ति नहीं है, अगर किसी को आपत्ति है तो वो ब्राह्मण नहीं है फिर, क्योंकि ब्राह्मण ने आज तक जातिवाद किया ही नहीं है। भंवरलाल जी, नहीं किया सर जी, मेरे को पता है, मैं मेरी बात सुन, मैं पहले बात को कह चुका हूँ, अभी मैं आपसे कह चुका हूँ, मैंने वो पोस्ट आई थी, मैंने हकीकत में वो डाल दिया, वो इतनी गलती है, हकीकत सही कुछ होना, मैं पूरी पढ़ी भी नहीं। मेरे साथ, मेरे सामने जब भी भंवरलाल जी ऐसी कोई पोस्ट आती है, मैं सबसे पहले उनको कॉल करता हूँ, उनकी राय जानता हूँ, उनसे मैं एक एक चीज फैक्ट के साथ बात करता हूँ। आपको मैंने मेरा व्यक्तित्व आपको यहीं से पता चल गया होगा कि मुझे आप आमंत्रित करिए खाना खाने के लिए।
मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मेरे साथ आपको एक मेघवाल को भी बुलाना है, देखते हैं जल्दी से कौन पहुंचता है आपके घर पे। वही पता चल जाएगा जातिवाद कौन करता है। सही है सर, नहीं मानता तो मैं रहता हूँ। कहूँ सर जी, आप है यहाँ से शिवदन जी ओझा है, हनुमान जसू है, लक्ष्मण जी है। आज ये गोविंद राम मेघवाल है जो खाजवाला का विधायक है, ठीक है। ये आए दिन माता करणी माता पे, बजरंग पल्ली पे, पीछे इसने ब्राह्मणों पे टिप्पणी की थी, आपको पता होगा। पता है सर जी, पता है मेरे को। उस टिप्पणी का एक व्यक्ति ने विरोध किया था, आपको पता होगा, वो वीडियो भी वायरल हुआ था। पता है, वो व्यक्ति हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। जो मंच से जिसने दुत्कारा था, वो संपत सारस्वत हूँ मैं। और मैंने खरेआम कहा था कि तुम बैठो सांसी के घर पे, मैं भी खाना खाने चलता हूँ। गोविंद राम मेघवाल हो या अर्जुन राम मेघवाल हो, कोई भी मेघवाल समुदाय के व्यक्ति हो, मोहरलाल जी के घर खाना खाने नहीं जाएगा, मोहरलाल जी के घर संपत सारस्वत पहुँचेगा सबसे पहले, क्योंकि हम लोग जातिवाद को प्राथमिकता नहीं देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आज मेरे तो सर जी जितनी मतलब मेरे को इतनी खुशी है, आज आपसे बात हुई है ना सर जी, मैं आज मुझे मेरे को अभी पता लगा है कि जो आज मैंने पोस्ट डाली थी ना, वो आज मेरे लिए, वैसे तो आपके आपको थोड़ा गुस्सा मत करना, आपसे बात हुई है उसके लिए मेरे को बहुत बड़ी खुशी है। तो मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने गोविंद राम मेघवाल को जवाब दिया, फिर कालू राम मेघवाल का फोन आया गंगानगर से, अगर आपने रिकॉर्डिंग उसकी सुनी होगी तो सुनी है। उसने कहा तुम ब्राह्मण लोग, ये लोग, इनका दिमाग जो है ना, ब्रेन वॉश हो चुका है, ठीक है। आज हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने वाले, भाई को भाई से लड़ाने वाले, अरे असली जातिवाद तो ये लोग कर रहे हैं। भगवान के नाम पर भिड़ाते हैं, हनुमान जी की मूर्ति पे जूते से वार करते हैं, थूकते हैं ये लोग, बुद्धि भ्रष्ट इनकी हो चुकी है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और उदाहरण देता हूँ। देश आजाद हुआ जब 1947 में, तब 5% जो है वो तबका ऐसा था, 100% जो वंचित, शोषित और पीड़ित थे, जिनको दलित शब्द के नाम से संबोधित किया गया। अच्छा, ऐसे 100% लोगों में से 5% लोग सक्षम थे। अगर 100 दलित जो थे उसमें से 5 दलित सक्षम थे और 95 दलित उस टाइम गरीब थे, वंचित थे, ठीक है। आज देश की आजादी के 70 साल बाद भी वो जो 5 लोग थे ना, वो और ज्यादा करोड़पति हो गए। मोहनलाल जी, मेरी बात को नोट करिएगा, 95% जो दलित उस टाइम जो पीड़ित था, वंचित था, वो आज भी गरीब है, आज भी वो वंचित है। क्यों अर्जुन राम मेघवाल और गोविंद राम मेघवाल आपके लिए आरक्षण क्यों त्याग नहीं कर रहा है, वो क्यों आपके हक और अधिकार को खा रहा है? सही है, हमारी लड़ाई केवल इतनी है कि आपने पिछले 70 सालों में आरक्षण का फायदा लिया है, अब इसको छोड़िए और अपने दलित भाई के लिए छोड़िए, आप उसको कहिए भाई अब तुम आ जाओ बस। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान की रचना की थी तो ये सोच के नहीं की थी कि तुम इसको बापोती बना लेना आरक्षण को, नहीं, नहीं, ये सोच के की थी कि तुमने आरक्षण का हिस्सा ले लिया, अब तुम साइड हटो। आज एक कल्पना करिए कि जिस संसद में अर्जुन राम जी 3 बार जा चुके हैं, वहीं 3 अलग 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 SC समुदाय के लोग वहां पहुंचते हैं, SC लोग, 3 अलग अलग लोग पहुंचते, तब वहां पर असली ताकत पता चलती, तब उसको विकास का नाम दिया जाता। अरे आपने सीट को आरक्षित कर दिया और एक ही एक आदमी 25 साल लगातार जा रहा है और आप चले गए। आपने पढ़ाई, देखिए आपने जन्म लिया SC के घर में, वहां से आपने आरक्षण का फायदा लेकर राशन पानी खाया, शिक्षा ग्रहण की आरक्षण के नाम पर, आपने सरकारी नौकरी हासिल की आरक्षण के नाम पर, अब आप राजनीति में आ गए आरक्षण के नाम पर, कल को आपके बेटे पोते भी इसी प्रणाली को अपनाएंगे, तो फिर ये तो एक तरीके से वंशवाद हो गया, पीढ़ी दर पीढ़ी हो गया। हाँ, तो जातिवाद आप कर रहे हो, वंशवाद आप कर रहे हो, और आपको बुराई के नाम पर, ठुकाई के नाम पर अगर कोई चाहिए तो ब्राह्मण बनिया और राजपूत। अरे भाई क्या बिगाड़ दिया ब्राह्मण बनिया और राजपूत ने बोरलाल जी? नहीं सही है सर, कुछ नहीं। तो इस बात को समझने की जरूरत है, कोई व्यक्ति आके आपको मूल निवासी शब्द का प्रयोग करे ना, तो झापट मेरे कहने से पहले लगाइएगा उसको। मैं लगाऊंगा सर, और उसको बोलना कि मूल निवासी का मतलब जानता है, मतलब ये होता है इस देश का रह के, ये तो वही बात होगी, जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली में छेद कर रहे हो। नहीं सर, ठीक है ना, ये सरासर नमक हरामी पड़ा है कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो। मैं आपको पुनः स्पष्ट कर रहा हूँ, अगर आप एक मेघवाल को और संपत सारस्वत को आपके घर पे खाना खाने आमंत्रित करेंगे, सबसे पहले संपत सारस्वत पहुंचेगा, वो मेघवाल नहीं पहुंचेगा। नहीं, और आप और हम भाई हैं, हम हिंदू हैं सबसे पहले, फिर हम जातियों में बंटे हैं। अपने जाति वाले कोई सिस्टम नहीं, हम हिंदू हैं, सबसे बड़ी बात यही है। उसके बाद में मैं आपको एक लास्ट में, ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, अंत में मैं हमारी बागड़ी भाषा में समझाता हूँ, मैं भी आपके बीकानेर क्षेत्र
लोनकरण सर विधानसभा के बामनवाड़ी गांव का व्यक्ति हूँ। अच्छा ठीक है। अब मैं थाने एक लास्ट में बात बताऊँ कि दद भी आपा ने जातिवाद खत्म करने की बात करानी दद आपा ने यहाँ क्या है कि जातिवाद है जातिवाद है देना ब्राह्मण लास्ट में किया कि धापेड़ो यहाँ क्या है कि जातिवाद खत्म किया उसी हे बताओ तो कह यानी हे मारा तो ब्याह करो बेटी को व्यवहार करो रोटी को नाम भी कौन ले क्योंकि रोटी को ले तो गले आज सी मैं कह दूंगा जो देना आपा काल सामने भवरलाल जी का जिमा देना रोटी को क्या कौन बेटी को कसी रिश्ता करो ब्याह करो जना ये है कि जना बने मेरे एक जवाब और है काल न थाने कोई यहाँ कह नहीं कि भाई ब्राह्मण जातिवाद करे आम सा रिश्तों कौन करे तो वो थाने एक जवाब और दू मान यहाँ क्या कि ये है कि ब्राह्मण दादा के घर तो खुद की गीगलिया कम पड़े। अच्छा मंगा आपका ही गीगला है नहीं तो कहीं फिर है भांडा तो भाई आप आला ने दही थाने देवता फिर थी तो न तुम्हारे कहने बेटी लेने जिके है न बेटी देने जिके है बात जिके है बेली नौ नंबर को खूस है पगा में तो बेटी मांगी तो कह सिर में पड़ती गुद्दी में चार चानन और कराशा मांगे तो ये टाइप की हरकत करे लोग आने पूर्ण रूप में बैठा के समझाओ मोहनलाल जी बुद्धि भ्रष्ट होगा लोग है लोग केवल आपको और मारो स्नेह खराब कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। वास्तव की बात है मानू ये बात में वास्तव जातिवाद ऐ लोग मार लिया तो आने लोगों ने समझाओ कि थे थारे नेतागिरी के चक्कर में थारे स्वार्थ ने पूरा करने के चक्कर में मारो आपसी प्रेम खत्म ना करो लाडी। अपना दुकान है साहब जी मेरे अड्डे पर है रेडीमेड की है। ठीक है जना एक लारे चाहिए अपने जो सरपंच को चुनाव अब तो है कोनी मेरे वाला छोरो वो कोई मतलब यहाँ खड़ो खड़ो यहाँ होने लगे जना वो यहाँ मेरे दुकान आगे टपे जन मैं जय श्री राम करो जय श्री राम जरा मेरे कन्ना आयो मेरा गड़बाती गाली कर यार तू जय श्री राम कह मो क्यों गड़बाती यार तू जय भीम भी कह इसको जय भीम भी कह दू जय श्री राम कह दी मेरे के दिक्कत है मेरे कोई दिक्कत को नहीं जन अभी थोड़े सब लड़ पड़िया था बोलो मेरे भाई ने कहो जय श्री राम को भैया ठहरे कह हूँ ना तो हूँ जय श्री राम छोड़ू ना मेरा घरे जो मूर्तियां ना मैं थैंकू मंगलवार ने हर जाति छोड़ दे को प्रसाद में प्रसाद कर दूंगा नहीं थे आज मार्ग नो जय श्री राम कहना छोड़ो पर चकना ही कैसे होगा आओ आज जुम्मे का दिन है थोड़ी नमाज अदा कर ली जाए अल्लाह ताला को खुश कर दिया जाए आई कही तो थोड़ी थोड़ी सेटिंग कर दी सेटिंग कर दी जना वो राम प्रताप गरुआ नाम सुर बैठा अपने इसी कोई बात कुल मिलार के मोहनलाल जी आ स्थिति टाइप की है कि अब आपाई मुगलांगो जो आतंक को नहीं समझ ही कौन पा रहा कि जय भीम के बाद में उसको जय मीम को नारो लाग रहे है नी वो मुसलमानांगो है और ये धर्म ने तोड़ने को प्रयास कर रहे है आज आपने जय श्री राम कहने को मना करा है बाद में आपने धीरे धीरे एक एक करती कहे किसी का थाने थाने रोजा रखना सही है थाने तादर तानी चाहिए थाने इबादत करनी चाहिए शुक्रवार के दिन थाने नमाज पढ़नी चाहिए मारो यानी वो के शुक्रवार को आने क्या करेंगे वो है यानी शुक्रवार को आगे जुम्मे को दिन हुआ तो जुम्मे के दिन अल्लाह ताला ने खुश करने के वास्ते अपन नमाज पढ़नी चाहिए तो वही तो धर्म वो वर्ण संकर पण जो को हुआ वो इन्हीं तो वर्ण संकर के हुआ इन्हीं तो धर्म को भ्रष्ट उन्हों के हुआ तो इसी कोई बात को नहीं मेरी कोई बात ने अन्य था मत लिया थे लेकिन आप आपा भाई भाई है मेरी बात सुनो आज मैं हकीकत है वास्ते रात को तय मैं झूठ मारू आदमी को नहीं झूठ आगा आज मेरे इतनी तबियत इतनी खुश हुई आज मैं खुश डाली नहीं बिंग मारा मन है ठेका होगा जी मेरा स्वीकार ठेका होगा नहीं तो अटू लगाकर बम मिनट पैदल आज को नहीं 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 मारो भाई मेरी बात है ये ग्रुप का ग्रुप है ना कहीं भी फोन पटको कोई भी ग्रुप में ठेक जुड़ा हो तो मेरे प्रति से मेरे बारे में ठेक है लिखे कोई भी चीज या मैं ठेक होगा तो मैं लिख दूंगा अगर बात ना बढ़ा हुआ ऐसी कोई बात को नहीं मैं भी ब्राह्मण दादा रहूँ दुकानदारी में दिया तो भी कन्ना कन्ना ब्राह्मण है यार घर है तो मेरे ब्राह्मण घर में बीच में बिल्कुल ठीक है ठीक है बोल आगे थे ना बात बढ़िया कह दियो मेरी बात होगी भी सोर हूँ मैं तो कोई मैं तो टाबर हूँ चलो कोई बात को नहीं बात आई गई है ठीक है अच्छा तो थोड़ा ग्रुप में कह दियो मैं कह दी ठीक है सर ठीक है जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री ठीक है।